गुलाबी आँखें जो मेरी देखी, दीवाना हर दिल हो गया। संभालो खुद को जरा बेचारो, कि जीना मुश्किल हो गया। हाय राम, क्या कपड़े हैं ये, स्लीवलेस? आंटी आपका ध्यान मेरे स्लीव्स पे था, मुझे लगा आप मेरे हॉट बैग को देख रही होंगी। कैसा है वैसे, सेक्सी है ना? बाय। नमस्ते। नमस्ते। जानते हैं कौन है ये? ये है अंशुल फ्रॉम द डेंटिस्ट स्टोरी, और ये है हमारी निशा फ्रॉम बबलगम। सो आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं थिंग्स वीमेन शुड स्टॉप सेइंग टू ईच अदर, बहुत ही संस्कारी तरीके से, बहुत ज्यादा संस्कारी तरीके से एक्चुअली। आइए हम अपने असली प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। कैसे कपड़े पहने हैं तूने, लड़कों की तरह जा, कुछ लड़कियों की तरह पहन, तैयार हो? उफ़, क्या लड़की है ये। प्रॉब्लम क्या है आपकी? लड़की बनो तो प्रॉब्लम, लड़का बनो तो प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम है। वैसे एक बात तो अच्छी है मम्मा ना, एक कपड़े में गुजारा हो जाएगा, चाहे वो पहने चाहे मैं। वो देखो, वो देखो शर्मा के बाद। चलो थोड़ा समाज सेवा करते आते। बेटा इधर आना जरा, इधर आ जरा। बड़ी अच्छी लग रही है। कौन था वो बेटा? दोस्त था। सिर्फ दोस्त? हाँ आंटी, सिर्फ दोस्त। बेटा मैं एक बात बोलूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, ये सारे जो लड़के होते हैं ना, इन्हें कुछ नहीं फर्क होता, ये सबसे जवानी का जोश है, उतर जाएगा तो मत जाओ। इनको उनका काम पता है क्या होता है? सिर्फ आगे करके निकल जाते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी टैलेंटेड हो, सबसे दूर रहो बेटा। ये सारे लड़के ना एक ही तरह के होते हैं, सच्ची मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। हाँ सच्ची आंटी, आपको पता है लोगों का और एक काम भी होता है, खुद के काम पर ध्यान देना। आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा। और हाँ अपने वाले पे ध्यान दीजिए। क्यों रितु, सुने हैं तुम मॉडलिंग करियर ली हो? हाँ आंटी, अच्छा है ना, फन है कि देखो मैं बॉडी भी बना सकती हूँ, घूम सकती हूँ, नाच सकती हूँ और पैसे भी कमाती सकती हूँ। क्या अब तुम्हें कौन समझा, इतनी बेवकूफ लड़की हो तुम। शादी हो जाएगा तो कोई तुम्हें पहनने देगा ऐसे कपड़े? बोलो, जो ये तुम अंग दिखा दिखा के घूमती हो, कोई करने देगा तुमको मॉडलिंग? जब बच्चा बोलेगा ना करने के लिए, तब क्या करोगी? हाँ, और दूसरी बात तो हम ये बोल रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, लॉयर बनना चाहिए था, तुम्हें कोई अच्छा इंजीनियरिंग करियर लेना चाहिए था, चली है मॉडल बनने। पूरा पीछे से दिख रहा है, आगे से दिख रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ आंटी, ये बताओ शरीर नहीं दिखेगा तो बच्चे कहाँ से होगा? हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार। मैं कह रही हूँ आपकी बेटी सही रास्ते पे नहीं चल रही है। कल ही उसने मुझे क्या बोला आपको पता है? मैं तो कहती हूँ शादी करा दीजिए इसकी, इसकी उम्र की सारी लड़कियाँ शादी कर रही हैं। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, शादी करा दीजिए इसकी, नहीं तो भगवान ही मालिक है ना, मैं बता दूँ। आंटी आपकी उम्र की बहुत सारी औरतों का देहांत हो गया, मैंने बोला क्या आपको? नमस्ते बहन जी, और बताइए कैसे हैं? बस सही है, बस बच्चों ने दुखी करके रखा है। मत पूछिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी रितु, आज ही मैंने उसको देखा था, स्लीवलेस बैकलेस, ये कोई ढंग है कपड़े पहनने का? उसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? पूछे, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ क्या कर दूँ इस लड़की का। रोज बोलती हूँ, सुनती नहीं, एकदम बाप ने तो बिगाड़ के रखा है इसे। ये ऐसे कपड़े पहनकर अगर बाहर निकलेगी तो लोग तो घूर घूर कर देखेंगे। लोग घूर घूर के, हमारे घर के लोग ही घूर घूर के देखते हैं, मैं किसी और को क्या बोलूँ बताओ। के जमाने में क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? वो देखो शर्मा जी की बेटी, देखो क्या पहन के आ रही है, देखो।
हाँ चलो चलो शर्मा जी की माँ को बताते चलो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और अगर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक मिलेंगे तो हम फिर से कोलैबोरेशन लेकर आने वाले हैं बहुत ही फनी। इनके चैनल का नाम है बबल गम और मेरे चैनल का नाम है डेंटिस्ट स्टोरी, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस तुम ये स्टाइल मारो और बबल गम वी विल कम विद पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो वेरी सून। वो मेरे तो ड्योटे ही हुए हम। तुम तो आंटी बनने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं है एकदम। वो लड़की बड़े स्टाइल में बन रही थी, बाल बाल खुद। हाँ, तो वो मेरा ऑल्टर ही था ना। चलो इतना खुशी खुशी क्यों चल रहे नहीं इतना हथियार। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बैठे बैठे इतना आराम से कौन बैठता है, तुम नमस्ते बोलो।